यार देखो, अमेजोन पे कुछ लेटेस्ट डील चल रही है अभी लैपटॉप पे, एंड इन्हीं कुछ डील्स में मैं तुम्हें बेस्ट लैपटॉप बताने वाला हूँ जो कि मैंने तीन डिवीजन में डिवाइड किया है। जो कि सबसे पहला होगा बजट लैपटॉप, उसके बाद होगा मिड सेगमेंट का गेमिंग लैपटॉप, एंड थर्ड में है एक फ्लैगशिप गेमिंग लैपटॉप जिसमें तुम सारे काम कर पाओगे इंक्लूडिंग स्ट्रीमिंग एंड गेमिंग सब कुछ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एंड इसमें से जो 1650 ग्राफिक्स वाला कंप्यूटर है एंड ये 5500M, ये ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस वाला ग्राफिक कार्ड एंड प्रोसेसर साइज में, ये है एसुस का लैपटॉप, ये है लेनोवो का एंड ये है एचपी का। तो इसमें तुम्हें सबसे पहला तो एक ड्रॉबैक ये है कि ये तुम्हें सिर्फ 60 FPS मिलता है, मतलब तुम अगर हाई FPS गेमिंग करना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसे पहले ही हटा दिया है। एंड अब बात करते हैं इन दोनों लैपटॉप की। तो इन दोनों लैपटॉप में मेजर डिफरेंस बस ये है कि इसमें तुम्हें जो कीबोर्ड मिलता है उसमें जो बैकलिट है वो ब्लू है, एंड ये बहुत ही कम बैकलिट LEDs है कीबोर्ड की, बट इसमें तुम्हें बैकलिट फुल्ली RGB टाइप का मिलता है जो कि पूरा ग्लो करता है, एंड ये काफ़ी अच्छा दिखेगा तुम्हारे गेमिंग सेटअप में। एंड बात करें इसके FPS की, तो ये लगभग 24 Hz ज़्यादा है इसके कंपेयर में, क्योंकि इसमें तुम्हें 120 Hz का ही डिस्प्ले मिलता है। एंड ASUS ₹1000 ज़्यादा होते हुए तुम्हें थोड़ा बेटर बैटरी परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि इसमें तुम्हें मिल रहा है 48 वाट आवर्स का बैटरी, बट लेनोवो में तुम्हें मिल रहा है ओनली 45 वाट आवर्स, मतलब तुम्हें 3 वाट आवर्स ज़्यादा मिल रहा है एसूस लैपटॉप में। तो मेरे सजेशन में अगर तुम्हें एक गेमिंग लैपटॉप लेना है, स्टार्टिंग कर रहे हो अगर तुम, और तुम्हारा बजट 50 से 55 हज़ार का है, तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, जिसमें तुम्हें 500 GB का NVMe SSD भी मिल रहा है, एंड अगर तुम चाहो तो अलग से इसमें हार्ड डिस्क भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड अब बात करें मिड सेगमेंट लैपटॉप की, तो उसमें ग्राफिक कार्ड आता है 3050, एंड तुम्हारा मेन फोकस गेमिंग का है तो मेरे सजेशन में डेल का ये वाला लैपटॉप बाय करना, जो कि तुम्हें ऑलमोस्ट 69,990 मतलब कि 70,000 में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें तुम्हें i5 का प्रोसेसर मिलता है। बट अगर तुम्हें स्ट्रीमिंग भी करना है तो थोड़ा और स्पेंड करके आसूस का टफ लैपटॉप बाय करना, जिसमें तुम्हें Ryzen 7 मिलने वाला है, जो कि तुम्हें 73,900 मतलब 74,000 में मिल जाएगा। एंड बात करें एक और लैपटॉप की, जो कि ये आसूस रॉग स्ट्रिक्स, जिसमें तुम्हें Ryzen 7 मिल रहा है, एंड ये लैपटॉप को देखो तो ये फुल्ली RGB लैपटॉप है। एंड अगर तुम्हें थोड़ा स्पेंड करके अपने सेटअप को ज़्यादा बेटर दिखाना है या फिर थोड़े ज़्यादा फीचर्स चाहिए, तो ये लैपटॉप तुम्हें ज़्यादा सही रहेगा रॉग स्ट्रिक्स, क्योंकि रॉग जो है वो थोड़ा प्रीमियम सेक्शन में चला जाता है आसूस का, एंड टफ जो है वो थोड़ा बजट गेमर्स के लिए बनाया गया है। तो अगर तुम थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेंड कर सकते हो तो तुम्हारे लिए तो ये लैपटॉप सही है, बट अगर तुम एक बजट में रहकर लेना चाहते हो तो फिर तुम्हारे लिए ये लैपटॉप बेस्ट रहने वाला है, अगर तुम स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो तो। बट अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ गेमिंग से मतलब है, या फिर हल्के फुल्के स्ट्रीमिंग लाइक CS:GO या वेलोरेंट उस टाइप के गेम्स को तुम्हें स्ट्रीम करना है, तो फिर ये लैपटॉप भी बेस्ट रहेगा। बट हो सकता है AAA गेम्स में तुम्हें स्ट्रीमिंग करने पे थोड़ा बहुत शटरिंग दिखाई दे। एंड अब बात करते हैं प्रीमियम लैपटॉप्स की, तो वो आते हैं ये दोनों लैपटॉप्स, जिसमें एक लेनोवो का Legion 5 और एक है HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप। एंड इन दोनों में बात करें तो ऑलमोस्ट तुम्हें सब कुछ सेम मिलेगा, देख सकते हो AMD का Ryzen 7 5000 सीरीज़ का प्रोसेसर, इसमें भी Ryzen 5, एंड RAM कॉन्फ़िगरेशन एंड स्टोरेज भी ऑलमोस्ट सेम है, बट डिफरेंस तुम्हें यहाँ पड़ जाएगा कि तुम्हें यहाँ पर इसमें तुम्हें कोई भी RGB कीबोर्ड नहीं मिल रहा, एंड ये मोर लाइक ऑफिस एंड प्रोडक्टिव काम के लिए ज़्यादा लुक वाइज देखे तो लगता है। बट वहीं अगर तुम्हें ये लैपटॉप देखें तो ये पूरा गेमिंग लैपटॉप की तरह दिखता है। एंड ऑफ कोर्स अगर तुम्हें अपना सेटअप को इन्हेंस करना है तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए है, बट प्राइस रेंज को भी तुम्हें ध्यान रखना होगा, इन दोनों के प्राइस में काफ़ी अंतर है, एंड 15,000 का अंतर सिर्फ RGB लाइटिंग के लिए मेरे सजेशन में बिल्कुल सही नहीं रहेगा, इसलिए ये लैपटॉप ज़्यादा मेक सेंस करता है लेना, क्योंकि तुम्हें डिस्प्ले एंड बाकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम मिल रही है, जैसे कि ये तुम्हें 165 Hz का डिस्प्ले मिल रहा है, एंड इसमें भी तुम्हें 165 Hz का डिस्प्ले मिल रहा है, बट
इस लीजन लैपटॉप में एक स्पेशल फीचर ये है कि तुम्हें FreeSync एंड G-Sync दोनों ही मिलता है, बट इस लैपटॉप में तुम्हें वो चीज़ नहीं मिलने वाली। एंड एट लास्ट एक बार समराइज कर लेते हैं, तो अगर तुम्हारा बजट थोड़ा कम है और तुम्हें CSGO या फिर Valorant जैसे गेम्स को हाई FPS पर इंजॉय करना है, तो Asus TUF या फिर Lenovo IdeaPad दोनों ही बेस्ट रहेगा, Victus की तरफ मत जाना। और अगर तुम्हें RGB लाइटिंग्स ज़्यादा चाहिए तो ये लैपटॉप तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि Asus TUF में तुम्हें RGB कीबोर्ड जो मिल रहा है वो ज़्यादा गेमिंग अपील देता है। एंड अगर बात करें मिड सेगमेंट गेमिंग लैपटॉप की, तो तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन ये लैपटॉप होना चाहिए, क्योंकि इसमें तुम्हें Ryzen 7 मिल रहा है जिसमें तुम आराम से कोई भी गेम को स्ट्रीमिंग करते हुए खेल सकते हो। एंड बात करें लास्ट एंड फ्लैगशिप लैपटॉप की, तो तुम्हारा चॉइस ये लैपटॉप होना चाहिए, HP Victus Gaming, जिसमें तुम्हें Ryzen 7 5000 का प्रोसेसर मिल रहा है। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।